कैसा? देखिए, पहली बार इंसान जब पैदा होता है तो पानी के खतरे से पैदा होता है। मनी जो होता है वो पानी का खतरा है, तो पहली बार पानी खतरे से पैदा हुआ, तो दूसरी बार तो उसकी हड्डियां बाकी है। तो जब पहली बार वो रब खादिर है कि वाटर से तुमको क्रिएट कर सकता है, तो सेकेंड टाइम बोन से क्यों नहीं कर सकता? जबकि आज के दौर में इब्ने आदम इंसान इस चीज का दावा कर रहा है कि अगर हमको एक जानवर की मुकम्मल हड्डी मिल जाए तो खाली उस हड्डी से उसका डीएनए निकालकर बची कुची कड़ियां इधर उधर से जोड़कर हम उस मखलूक को, उस जानवर को, उस चीज को, उस चरिंद को, उस परिंद को, उस बर्ड को या उस जो एनिमल को फिर से पैदा कर सकते हैं। ये दावा है, अभी तो ऐसा नहीं हो पाया बट उनका दावा है, जब भी होगा। तो जब इंसान ये दावा कर सकता है तो रब के लिए क्या नामुमकिन है? तो पहली बार अगर कोई अपनी पैदाइश पे गौर करे तो सेकेंड टाइम उठा जाने पर वो इनकार कर ही नहीं सकता है। अगर एक बेसिक सवाल कर लिया जाए, कंप्यूटर जब पहली बार बना तो कितनी तकलीफ हुई? हुई नहीं हुई? जब बना तो कितनी तकलीफों से बना? जबकि अगर आप जानते होंगे, जब पहली बार कंप्यूटर बना और उसमें मेमोरी डेवलप की गई, तो पहली बार जो मेमोरी डेवलप की गई वो 5 MB की एक मेमोरी के एक हार्ड डिस्क बनी थी पहली, जो कि मिलिट्री का टॉप सीक्रेट था उस जमाने का। और उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे, पता नहीं कितने टन उसका वजन था, जिसमें स्टोरेज था 5 MB। ठीक है, कंप्यूटर ऐसा था कि इंसान अंदर जाके रिपेयर कर रहे हैं और उसके अंदर चीज़ें फिट कर रहे हैं, इतना बड़ा होता था। ठीक, तो ये हाल था। लेकिन एक बार उसको बनाने के बाद, अब समझ लीजिए एक तूफान, जलजला, कुछ और, पूरा कंप्यूटर खत्म हो गया, तो इंसान वापस बना सकता है? नहीं बना सकता है। बहुत आसानी से, चूंकि फर्स्ट टाइम वो बना चुका है। तो जब इंसान एक बार चीज बना के दूसरी बार आसानी से बनाने पर खादिर है, तो अल्लाह ताला पहली बार पानी से बनाकर दूसरी बार क्यों खादिर नहीं कि तुम्हारी हड्डियों से वो उठाए? चूंकि मुशरिकीन के कई सवाल थे, हम क्या हड्डियां बन जाएंगे तो उठाए जाएंगे, वो समझ नहीं पा रहे। तो अल्लाह ने कहा पहली बार पैदाइश देख लो, तुमको अकल आ जाएंगी, दूसरी बार हम उठा सकते हैं बहुत आसानी से। अल्लाह के लिए तो वैसे कुछ ना भी हो तो अल्लाह उठा लेगा, बट फिर भी एक ह्यूमन लॉजिक को अल्लाह अपील कर रहा। वो क्या बोल रहे थे? हड्डी से कैसे उठेंगे? अल्लाह बोल रहा पानी से कैसे बनाया? वो बोल रहे हड्डी से कैसे उठेंगे? अल्लाह बोल रहा पानी से कैसे बना? अगर पानी से बना सकते हो, हड्डी से उठाना क्या नामुमकिन? तो यहाँ क़यामत का तज़किरा फिर आ गया, और क़यामत का तज़किरा, क़यामत पर ईमान, आखिरत पर ईमान को हम लोगों को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। जब भी ये कमज़ोर होता है, दुनिया परस्ती हमें आ जाती है। दुनिया इस्तेमाल करने से इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन दुनिया परस्ती उसके पीछे लगने से मना करता। दोनों में डिफरेंस। अल्लाह ने मुझे जो दिया, मैं उस नेमतों पे खुश हूँ, उसमें जो हक है अल्लाह का वादा करता हूँ, जो बंदों का वादा करने की कोशिश करता हूँ, ये मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारा। मेरे पास नहीं है, मैं सब्र करता हूँ, अल्लाह ने चूंकि सब्र का हुक्म दिया, और जो है उसमें मुतमईन रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये मेरे लिए कामयाबी का जरिया है। समझ रहे हैं बात को? इसको हमको समझना है। लेकिन असल जो चीज़ अटेंड करना है मुझे और आपको, वो आखिरत याद रखी। और आखिरत एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो नेमत है।